हाय डे विथ स्टार आउ गोटे एपिसोड को आपण समस्त वेलकम जानते मो ना अश्विन बोली ओके बाय द वे सब एपिसोड भाई आज का एपिसोड में अच्छे जो बहुत ही बढ़िया स्टार अफकोर्स द वेरी ब्यूटीफुल एक्ट्रेस गोटे बहुत ही सुंदरी झीटे जहाँ को आपड़ अनेक गुड़े फिल्मस देखी आउ फिल्मस देखी भल पाती बहुत सुंदर झीटे तो से किए आपर निहाती भाई मनरे इच्छा थी अफकोर्स मुझे रखे सी हूँ अनुभा सौर्य माने श्रीमती बहुत ही सुंदरी अभिनेत्री पुष्पा पंडा पुष्पा मैडम को झी गोटे बोली अलीअली झी अनुभा सौर्य पाखे आज जा सहित ढेर सारा गपसप करवा आउ कौन कौन कर लाइफ को से कितने सुंदर भाव एंजय करते गपिल हम चल पाखु जी गुड मॉर्निंग नमस्कार समस्तंकु जय जगन्नाथ आपण भाबुतिबो अनुभांकर सकालटा कोनि गाडी रुहला इट्स सो इंटरेस्टिंग एक्चुअली कहौ छि बाहरे वर्षा हला तो घरे तांकर एते सुंदर सुंदर कुनी कुनी छुआ मानु देखि मु पूरा भयभीत होई कि मो गाडी रु बाहरलेनि मु केले अनुभा आसो आमे ई गाडी रु जिबा धनमणी बाई मन केटी बागु नबा तमे भूली गले ना तमे प्रेमिका कथा भाबी चलो आम ड्राइवर भाई टिके तांका प्रेमिका कथा भाबी कि रास्ता भूली गले पुनी से यूटर्न करी गेसी ता भितरे अनुभा मते को आउ तमरो मॉर्निंग टाइम केमति नॉर्मली कटे एवरीडे जदि लेट नाइट शूट सरे तो मॉर्निंग टा टिके लेट हुए अच्छा जदि नाइट टाइम रे शूट सर जाय शूट नाही तो मु ट्राई करे टिके 8:00 सुधा सकाळी 8:00 7:30 8:00 सुधा उठि जिबा पे तापरे बहुत टेस्टी टेस्टी हेल्दी हेल्दी ब्रेकफास्ट हो था सो ब्रेकफास्ट खाए मैंने ब्रश व्रश करके काम सारिकी तापरे जिम जी रेडी हुए यदि बेबी मैंने बेबी हूँ मो माँ यदि बेबी मोर जब तार किसी कम हाँ सेरा ऑलमोस्ट सब ओडिसा रे समस्त जानी गले नि अपर्जंत आ तंकर जो छुआ मानन कथा म कोथले से छुआ मानन को सेटी कह दो के से छुआ छुआ चंती सालू डॉली पिंकू मामुनी राजा ओ कुनु टोटल 6टा छुआ तमरो हां आपण माने बर्तन कंफ्यूज होन 6टा प्रोडक्ट बाहर ले कोटु बिना बाहर रे माने प्रोडक्ट गुडा होचंत कि पपीज डॉगीज माने त से मन को म भयभीत करथले ओके कुल चम अनुभ माने प्रॉपर गां कोठी रणपुर नायगढ़ नर नायगढ़ रणपुर बढ़िया लोक हरी ना माने वेरी डेडिकेटेड टू आवर माने बहुत भलो पांते निज कर्म को निज लाइफ को हां आमे एक्चुअली माटी को भा बहुत भल पांते निज माटी को एंड गोटे बहुत सुंदर जगन्नाथ मंदिर अछि हम गां रे बहुत बड़ रथ यात्रा हुए रथ आछि तो मु डेफिनेटली ट्राई करबि यदि मते कोठि भी शेड्यूल फ्री मिलला मु जाई टिके रथ यात्रा मु छोटो बेले जाई कि गां रे रथ रे सब बसतिले केते वर्ष रहिछो गां रे गां को केबे माने गां रे रहिनी एज सच किंतु सब बेले जिबासिया करे जतर भी टाइम मिले बहुत सुंदर बहुत माने माने जो नेचुरल ब्यूटी ने सेटा हम गां रे बहुत बढ़िया आ गोटे मणिनाग मंदिर अच्छी मणिनाग मंदिर मु जाई छी हां ऊपर मणिनाग और तळ मणिनाग पहाड़ अच्छी झरना अच्छी तो आई थिंक इट्स द मोस्ट पीसफुल प्लेस टू बी इवन ए जितिन दिन तळ जाईले मणिनाग मंदिर तो हम गां के दिले एकदम बड़े माने इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस एंड वेरी पीसफुल आल्सो हां वेरी पीसफुल एक्चुअली गां माहौल टा ही सिंपल है गां के संग साथी अछन तमरो मु बहुत छोट बेले जाऊली तो बड़ हेला पर एक्चुअली मोर एग्जाम 10th एग्जाम आ भितरे पुनी शूटिंग तो से जो गैप रे मु बहुत कम जाई तो से कि ठीक सांग साथी को ठीक दिव गांरे गोटे बढ़िया मजा लगे जे गां जे पहुंचो पड़ोसी मान को से जो स्नेह भलपाइबा जो भलपाइबा रे कि स्वार्थ केतल नथिबो किंतु बहुत खाइबा था से भलपाइबा रे माने मो गां को गला माने अलग प्रकार खाइबा को मिले मते समस्त मिठा पिठा के ना पड़ोसी सब नै के आसंती आ एते भलपाइबा रे जंदी कि मन भी करिवे नि त पेटडा पूरा फुल ले के मु घर स्कूलिंग लाइफ केम निकतिला कोटी स्कूल थिला डीएवी चंद्रशेखरपुर स्कूल आउ स्कूल लाइफ रे केही केबे मते देखले भाबिना थांते जे मु केबे हीरोइन हेबी बडैकी
लास्ट बेंच मोस्टली आउ माने पूरा चुपचाप माने क्लास रे जो गोटे अननोटिस्ड थाए स्टूडेंट जाकु के किछु ये करन देन से ता बटरे थाए से भले गोटे स्टूडेंट खाली पाठ ठीक ठाक होतला सेत पई कि बनी पनिशमेंट भी मिल नथला होमवर्क्स भी मोर कर दिए बहुत ब्रिलियंट भी नथली सो आई वाज लाइक दैट वन अननोटिस्ड चाइल्ड इन द कॉर्नर ऑफ द क्लास ठीक ठाक गुड गर्ल Not very, very, very good. हाँ आउ नो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज नाच गीत किसी ना ओडिसी नाचुली कि स्कूल बेस पार्टिसिपेट करे बिकज बहुत शाये थी बहुत लाज लगे मत कौट डिबेट फिबेट क्लास में ढड़ा कर लगे मोदी गोड़ हाथ थर तो से जिते मु फिल्म कर आरंभ कली आज पर्यंत भी मोर से जो स्टेज फियर कैमरा फियर एपर्तंत भी जाए ओके अच्छा मत कह जिते स्कूली टाइम क्या गला इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग भी कल दैट सुड बी सिलिकन इंजीनियरिंग कॉलेज से लाइफ के इंजीनियरिंग फर्स्ट इयर रु ही मुझे अलमोस्ट जानी समस्ते बिकज मुझे फिल्म करवा आरंभ कर दे कॉलेज रे आई थिंक मोर जो एक्स्ट्रा करिकुलम रे पार्टिसिपेशन डांस एगुटा सब टे उभरिकी बाहर को आसला मुझे कॉन्फिडेंट हेली एंड मिस कंप्यूटर साइंस मैंने प्रेशर्स से गुड़ा सब भी मुझे पाइली सो आई थिंक कॉलेज लाइफ रु ही मो कॉन्फिडेंस टे बूस्ट हम आरंभ है आउ इंजीनियरिंग रे बंक मारिया गोटे बहुत माने मजा किंतु मते सेटा करिया को मिल नथिला बिकॉज़ मोर अटेंडेंस सब बड़े कट टू 75% थाए कना बाकी टाइम मो शूटिंग रे व्यस्त थे किंतु बंक मारिया रे मास्टर्सली बिकॉज़ आई आल्सो द इंजीनियरिंग स्टूडेंट इंजीनियरिंग पाठ पढ़ छै तले भारी मजा लगे बट इंजीनियरिंग लाइफ गोटे एमते लाइफ जोटा कि केवल केवल इंजीनियर्स माने ही जान माने बुझि परबे कि हमें कोन कहू छै से लाइफ रे माने लाइफ रे जेते टाइप रो बदमाशी जेते टाइप रो एन्जॉयमेंट अछे सब करी होय हां आ से 4 वर्ष रे एक्चुअली हम को क्लू ना थाय कि हमें लाइफ रे एक्चुअली करियर कोन अछे एक्चुअली एक्चुअली बट बाय द वे से टाइम भी बहुत एन्जॉयबल थिला ताले तमर भी नाइस अच्छा मते आउड कथा को बहुत हीरोइन मानु को डायरेक्टर माने प्रोड्यूसर माने कोंदी पतला हुआ पतला हुआ पतला हुआ बट यू आर द ओनली एक्ट्रेस ऑफ ओडिया फिल्म इंडस्ट्री जहाँ की प्रोड्यूसर माने कोदी मोटा हुआ मोटा हुआ मोटा हुआ नाउ कोन नंदे स्टार्टिंग रे कोथले बजरंगी बेले कहले टिके पतला हे जाओ केना सेतले मो टिके माने होउथली धीरे धीरे आई वाज गोइंग टुवर्ड्स दैट साइड तापर फोनी आय मो टिके तथापि पतला करियले थैंक यू एबे मो बहुत कष्ट करके बहुत टेंशन नै कि तापर झड़ गेली पण अरे बाबरे नै इते जम्मा झड़नी तमे टिके हेल्दी रहिले ही बेसी सुंदर लागो सब बेले थैंक यू किंतु मो एक्चुअली बिलीव करे जे जो हेल्थ ना जो हेल्दी फैक्टर सेटा होची जो इनर स्ट्रेंथ और इम्यूनिटी ऊपर डिपेंड करे आउ आज आम आउ गोटे जगह को जब जो तुम देखे मुझे केते हेल्थ आमा हीरोइन पाखरे हीरोइन एक्सरसाइज रेडी ठक्क तमे पूरा
ନାଇଁ ତମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏତେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଦେଖିକି ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡରିଗଲି ନା ତମେ ଯଦି ମୁଁ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବି ମୁଁ ଆଜି ଏଇଠି ପଡ଼ିବି ଆଚ୍ଛା ବାଇ ଦ ୱେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା ପଚାରିଛି ଆଜ୍ ଆନ୍ ମାନେ ଟ୍ରେନର ହିସାବରେ କେତେ ପରଫେକ୍ଟ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ସାର୍ କହିବା ଆଗରୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି ସାର୍ ମୋତେ ସକାଳୁ ମାନେ ମୋ ଅପେକ୍ଷା ମୁଁ ଯାହା ଦେବି ତାଙ୍କର କ୍ୟାଚ୍ କରିବାର ମାନେ ଯେଉଁଟା ରହୁଛି କ୍ୟାଚ୍ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲେ ମାନେ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ତାଙ୍କର ଅଧିକା ରହୁଛି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ହିସାବରେ ଓକେ ସୋ ଯେତେ ସବୁ ଆମର ଫିଲ୍ମସ୍ଟାର୍ସ ଅଛନ୍ତି ଯେମିତିକି ଅନୁଭା ଯେମିତି ଆଜି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରୁଥିଲେ ମୁଁ ବି ଦେଖି ଡରିଗଲି ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖି ଭାବୁଥିବେ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପିଲାଟାକୁ ମୁଁ ବି ଆଜି ମୁଁ ତମକୁ କହିଥିଲି ନା ହେଲ୍ଥ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ୍ ଇମ୍ୟୁନିଟି ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଥିଲେ ଆମେ ତ ମାନେ ସାର୍ ବି ଏ କଥା ମାନିବେ ସାର୍ ମୋତେ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି କି ମୋଟା ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ ସାର୍ କୁହନ୍ତି ସବୁବେଳେ କି ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ୍ ରହିବା ଦରକାର ମୁଁ ଆଜି ଜାଣିପାରୁଛି ତମ ଭିତରେ କେତେ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ୍ ଅଛି ସବୁ ଦେଖିକି ଯଦି ସେମାନେ ନିଜକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ କେତିକି ୱାର୍କଆଉଟ୍ କରିବା ଦରକାର ଆଉ କେତିକି ଫୁଡ଼ିଙ୍ଗକୁ ନେଇକି କାମ ଦେଖନ୍ତୁ ମେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ରହିଲା ମାନେ ତାଙ୍କର ଯାହା ପ୍ରଫେସନ୍ ସେ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ଡାଇଟ୍ଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯାହା ୱାର୍କଆଉଟ୍ ରହିଲା ବେସିକାଲି ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ ୱାର୍କଆଉଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ତାଙ୍କର ବେଶୀ କରିବା ଦରକାର ଯେହେତୁ କିଛି ବି ଆକ୍ସନ୍ ସିନ୍ କରୁଛନ୍ତି କି ଯାହା ବି ହେଉଛି ତାଙ୍କର ସିନ୍ କି ଦୌଡ଼ ତାପରେ ଯାହା ବି ବେସିକାଲି ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ମସଲ୍ ବିଲ୍ଡଅପ୍ ବେଶୀ ନହେଲେ ବି ଚଳିବ କିନ୍ତୁ ବେସିକାଲି ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ ଗେନିଂ ଗୁଡ଼ା କଲେ ତାଙ୍କର ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ ଆଉ ଷ୍ଟାମିନାଟା ବିଲ୍ଡଅପ୍ ହୋଇଗଲେ ସେ ବାକି ସବୁ କିଛି କରିବେ ବଡ଼ିରେ ତାଙ୍କର ରହୁଛି ଇମ୍ୟୁନିଟି ତ ଆଜି ପାଇଁ ଓଭର୍ ତ ଓକେ ବଟ୍ ନାଇସ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଦେନ୍ ଆମେ ଆଜି ବାହାରୁଛୁ କାଲିଠୁ ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପୁଣି ସେମିତି 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 ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କହିବି କି ଦିସ୍ ଇଜ୍ ମାନେ ମୋ ଜିମ୍ ଯେଉଁଟା ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେଲ୍ଥ କ୍ଲବ୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଆଗରୁ ଆଇ ହାଭ୍ ବିନ୍ ଟୁ ଜିମ୍ସ ବଟ୍ ଏତେ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ ମୁଁ ଏଇ ଜିମ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣ୍ଡ ମାନେ ଯେମିତି କୁହନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ମୋତେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ସାର୍ ଜଣେ ମିଳିଛନ୍ତି ଯିଏ ମୋତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ୱିକ୍ନେସ୍ ଅଛି ସବୁ ଟ୍ରେନର୍ସ ମାନେ କୁହନ୍ତି ଭାତ ଖାଆନି ବିକଜ୍ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ସ ବେଶୀ ଅଧିକ କମ୍ ଭାତ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼ ପଖାଳ ପ୍ରିୟ ମାନେ ମୁଁ ବହୁତ ପଖାଳ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଏ ତ ସାର୍ ଜଣେ ଏମିତିଆ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟର୍ ଯିଏ ମୋତେ ପଖାଳ ଖାଇକି ବି ଫିଟ୍ ଆଉ ଫାଇନ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ମାନେ ମୁଁ ମନା କରନ୍ତିନି ନା ସାର୍ 12 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଭାତ ଖାଇନାହାନ୍ତି 12 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଖାଇନାହାନ୍ତି ପଖାଳ ବି ଖାଇନାହାନ୍ତି ବଟ୍ ଆପଣ ବି ଏକଦମ୍ ହେଲ୍ଦି ଅଛନ୍ତି ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ପରଫେକ୍ଟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଓକେ ସୋ ବାହାରିବା ସରିଲା ତମ ଜୁସ୍ ମାନେ ପଡ଼ିବ ଏତେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ପରେ ବି ଏନର୍ଜି ଏତେ ଚାଲ ଆଚ୍ଛା ଫିଲ୍ମ ଲାଇଫ୍ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲ ମୋତେ କୁହ ଫିଲ୍ମ ଲାଇନ୍ରେ ଯିବା ପାଇଁ ମାମାଙ୍କର ସପୋର୍ଟ କେତେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ ଜମା ନଥିଲା ସିଏ ତ ଚାହୁଁ ନଥିଲା ମାନେ ସିଏ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲା କି ମୁଁ ଏକାଡେମିକ୍ସ ଲାଇନ୍ରେ କିଛି ଗୋଟେ କରେ IAS ଅଫିସର ହୁଏ ବଟ୍ ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏତେ ଅଧିକ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନଥିଲା ପାଠରେ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଉଥିଲା ମୁଁ ସେତିକିରେ ଖୁସି ଥିଲି ମାନେ କିଛି ନଲେଜ୍ ମିଳୁଛି ମୁଁ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛି ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଏନଫ୍ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ 18 ଘଣ୍ଟା ପାଠ ପଢ଼ିବ ଆଉ IAS ଅଫିସର ହେବ ମୁଁ ସେଇଆଡ଼କୁ ଟିକିଏ ମୋର ବହୁତ ଅଧିକ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଜମା ବି ନଥିଲା ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସିଲିକନରୁ ମୋର ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ହେଇଗଲା ସେତେବେଳେ ଘରେ ବହୁତ ଝଗଡ଼ା ହେଇଥିଲା ମୋର ଟେକ୍ ମହିନ୍ଦ୍ରା ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଆସିଯାଇଥିଲା ଜବ୍ ଅଫର୍ ଆଉ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଯିବା ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଛାଡ଼ିବା ଓଡ଼ିଶା ଛାଡ଼ିବା ଘର ଛାଡ଼ିବା ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ହୋମ୍ସିକ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଗୋଟେ କଥା ଯେ ଆକ୍ଟିଂ କରି ମାନେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ବି ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ଆଉ ସେକେଣ୍ଡଲି ଘର ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ତ ମୁଁ ବହୁତ ମାନେ ମୋତେ ଜମା ବି ମାମା ରାଗି ବହୁତ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ପ୍ୟାର ମାନେ ଯେତେ ରାଗି ସେତେ ଭଲ ଲାଗେ କିଛି ସିଚୁଏସନ୍ ହେଇଛି ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ କି ମାମା ବହୁତ ଜୋରରେ ରାଗିଛନ୍ତି ତମ ଉପରେ ଯଦି ହବ ମୁଁ ତମକୁ ଦେଖେଇବି ମୋର ଅଫର୍ ଲେଟର୍ ଥିଲା December 4th ମୋ ଜଏନିଂ ଥିଲା ଆଉ December 3rd ଯାଏ ରାତିରେ ଆମ ଘରେ ମହାଭାରତ ଚାଲିଥିଲା କି ମୋତେ ଜବ୍ ଜଏନ୍ କରିବା ଉଚିତ ନା ଉଚିତ ନୁହଁ ସି ୱାଜ୍ ପୁଟିଂ ହର୍ ପଏଣ୍ଟସ୍ କି ମୋତେ ଜଏନ୍ କରିବା କଥା ଆଉ ଆଇ ୱାଜ୍ ପୁଟିଂ ମାଇ ପଏଣ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ପୁରା ଯେଉଁ ଗୋଟେ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ମାନେ ରିଭୋଲ୍ଟ କରିବା ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା କି ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର କରିକି ଦେଖେଇବି ଆଣ୍ଡ ଯଦି ମୋର କିଛି ନହେଲା ମାନେ ଇନ୍ ଏନି କେସ୍ ଯଦି ମୁଁ
ଯେଉଁଟା କରୁଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭୁଲ ଡିସିସନ୍ ହେଲା, ଆଟଲିଷ୍ଟ ମୁଁ ନିଜକୁ ଦୋଷ ଦେବି, ତମକୁ ଦୋଷ ଦେବିନି, ତ ଏମିତି ପୁରା ଗୋଟେ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ଭେରି, ମାନେ ସେ ରାତିଟା ହିଁ ଗୋଟେ ମେମୋରେବଲ୍ ଆଉ ବହୁତ ଡରାବନା ରାତି ଥିଲା। ବଟ୍ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଗଲିନି, ମୁଁ ବହୁତ ଜିଦି ଏସବୁ ଜିନିଷରେ। ଆଉ ଏବେ ଇଂଲିଶରେ ନା ଓଡ଼ିଆରେ, ମାନେ ଇଂଲିଶ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଆ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ହିସାବରେ କ'ଣ, ଇଂଲିଶ କନ୍ୟା, ଓଡ଼ିଆ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ହିସାବରେ କନ୍ୟା, ଇଂଲିଶ ହିସାବରେ କ୍ୟାନ୍ସର କର୍କଟ। କ୍ୟାନ୍ସର କର୍କଟ, ଓକେ। ଏତେ ରାଗି ନୁହଁ ବୋଲି ନା, ମୁଁ ରାଗି ନୁହଁ ବଟ୍ ଜିଦି ଜିଦି। ଚଲୋ, ଭେରି ଗୁଡ୍। ସବୁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମୋର ଯେଉଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଅଛନ୍ତି, ନର୍ତ୍ତକୀ ଅଛନ୍ତି, ନର୍ତ୍ତକୀ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ନର୍ତ୍ତକୀ ସେମାନେ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ସିଏ ଅଛନ୍ତି ଶିବାନୀ, ସିଏ ଅଛନ୍ତି ଇତିଶ୍ରୀ, ସିଏ ଅଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡି, ଏମାନେ ଦୁଇ ଜଣ କିଏ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଆଣ୍ଡି ଏମାନେ ଦୁଇ ଜଣ କିଏ ମୁଁ ସିରିୟସ୍ଲି ଜାଣିନି, ମୁଁ ୟାଙ୍କୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆଜି ଦେଖିଲି। ତାଙ୍କ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍, ଓକେ, ଇଏ ଅଛନ୍ତି ମୋନା ଲିପ୍ସା ଆଣ୍ଡ ଇଏ ଅଛନ୍ତି ଜାଗୃତି। ଆଚ୍ଛା, ହଉ, ମୁଁ ଜାଗୃତି ଆଉ ମୋନା ଲିପ୍ସାଙ୍କୁ ବେଶୀ ଭଲସେ ଜାଣିଛି, ବିକଜ୍ ପୁରୁଣା ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଲାଇନ୍ ପ୍ଲିଜ, ଦୁଇଟା ହାତ ଦୁଇଟା ଗୋଡ଼ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର ନା। ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଫୁଲେଇ ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ସଜ ହୁଅନ୍ତି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦରୀ ବୋଲି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଡ୍ୟାନ୍ସ କରନ୍ତି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆଖି ହଟେଇବା ଡିଫିକଲ୍ଟ। ତମକୁ ସେତେ କୁହେନି, କାଳେ ଭାଉ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଉଛ।
अश्विन कर तो बहुत गोटे बढ़िया इंट्रोडक्शन स्पेशल इंट्रोडक्शन ये होती सीए जी जो हसी दिखती से लक्ष्य झी मन चोरी हो जाए जो कथा कहते से गोटे नॉर्मल लोक को भी डायबिटीज हो जाए जो चलती से पद्म फुटे माने सब स्टार मानक सहित गोटे गोटे डे स्पेंड करके से निजे ही सुपरस्टार हो सारे अश्विन सब झील मेल रही रही मैंने एंड यस अनुभा विषय कह कि आज डे विथ स्टार जी बढ़ी शोभा से अनुभा अनुभा बहुत भल डांसर बहुत भल सिंगर बहुत भल एक्टर एंड ता सहित सब इम्पोर्टेंट से बहुत भल फ्रेंड बहुत कोटा भल नुवा दरे कोटा भल नुवा सेडा अछि बहुत लिस्ट अछि दौड जाय छड़ देखि स्टार्टिंग रु जणकर पॉजिटिव जिनसाडा कहि दिले पर नेगेटिव आडा को धीरे धीरे कहि आबो माने मुले हल्का हे जेतिले या रागी बिनु बेसी एंड बाकी समस्तन का इंट्रोडक्शन तो स्ट्रिंग ऑलरेडी दे सेलेनी भल नुवा कोटा दले को भल नुवा एक्चुअली हाँ गोटे नेगेटिव पॉइंट एटा जे बहुत जिन भूली जाए मैंने कौ जगह जाए थी कि गोटे से छाड़ी पलि मोर भी से फोन चार्जर दुबई छाड़ी इंसिडेंट होता कि जिते आम बाहर आम प्रोग्राम सर लगेज फगेज सब पैक करके बाहर अनुभा समस्त पाखक जाकि वन बै वन पचार सब बैग रखिल सब बाहर तो सब बाहर तो लास्ट को पचपट जड़े आसे से कहे मैडम आप बैगटा छाड़ दे लगेज अच्छा आउ मैंने आउ कौन जिनस अच्छे जमीक ओडिसी कथा डांस कथा से एनर्जेटिक ना ठक ना ओडिसी से जमा भी ठक नुहति एंड जेहेतु गुरु शाश्वत जोशी स्टूडेंट तो से ठक हो भी पारिनी एंड क्लास रे से बहुत सिंसियर एंड जेहेतु आज शाश्वत सर ये नहांती से यूएस रे अच्छा बट तांकर जो गोटे टैगलाइन सब बड़े थाए फोर डी डी फॉर डेडिकेशन डी फॉर डिसिप्लिन डी फॉर डिवोशन डी फॉर डिटरमिनेशन एंड चारिटा डी मिसिगले हो जाए डांसर जोटा कि अनुभा बहुत भल भाव से टैगलाइन को फॉलो कर चलती एंड से जो सार एकलव्य डांस फेस्टिवल हुए से थर दुबई निजी प्रेजेन्ट करोटा सब डांसर मानी आम ओडिशा गोटे बहुत गर्वर कथा ओके एते गर्वित नायिका को मु बर्तन आउ दिवसी फटी करबेनी ना 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 किंतु जिबागुरु म एक्चुअली अश्विन गोटे कथा कह चाहे जागृति जहाँ भी कहले एंड सब जगह अन सीरीयस नोट आम जहाँ भी करू थर तुम ये होस्ट करें तुम पाखे गोटे भल सराउंडिंग सर्कल ना था तुम मन छाड़ जाता था मे भी तुम पढ़े था छाड़े सो मु बहुत सुंदर प्रशंसा शट अप सो मु बहुत था एक तो फर्स्ट कह चाहे आम समस्त शाश्वत सर को बहुत मिस कर कारण से से यूएस रे अच्छा तो आई थिंक से आमको मैंने मत आज से थिले बहुत खुशी होता एंड बहुत एनकरेज कर एंड प्लस जो मो फ्रेंड्स मान को तुम सांगे इंट्रोड्यूस करेली आई विल मैंने मो खाली किसी ये मो विषय कहले मुझे विषय कहली सेमती नुह बट मोर एत मैंने मत पूरा मदर्स को भाया ख्याल रखती है माँ का भाया ख्याल रखती भौणी भाया गाड़ी दिखती भौणी भाया गाड़ी दिखती सांग भाया अझट करती मानने फुल पैकेज जो बॉयफ्रेंड भाया प्रेम भी करती जो कि आज मैंने मत जे सका उठले डांस क्लास आस आग भाव अच्छा से ना तो मुझे खुशी बिकज समय मतलब गपे गपे आ रास्ता बुले बट बहुत वेट सॉरी, करके दर्शक बंधु को
जे अश्विन बहुत पंक्चुअल से जतरे कुहंती जे म 8 क्लॉक रे पहुंचेबे आपण भाभी नेबे 2 आवर्स जेमती जेमती इंडिया और गोटे फॉरेन कंट्री रो टाइम डिफरेंस सेमती अश्विन कर पूरा नॉर्मल लोकन के संगे रे टाइम रे दिए से टाइम रे पहुंचे रे टीवी रे सेटा बिकॉज़ सेटा रिकॉर्डेड टाइम लाइव नता नले अश्विन कर सबे 2 आवर्स 3 आवर्स टाइम गैप रे रखि के आपण काउंट करियो बट बहुत बढ़िया लागले सीरियसली जागृति मैडम आपनक नाटक कोन करले मोनालिप्सा बहुत बढ़िया देखाउ छथि आपन सहित मिसि बढ़िया लागले आपन को हसटा तो कोटी टंका आपन पानी आनी के दिले बढ़िया ठंडा पानी स्वच्छ पानी आपन को हसटा बढ़िया शिवानी ना आपन को नाम हीरोइन भी अछन चलो वेरी गुड थैंक यू अगेन थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच बढ़िया लागले वर्तमान आपनकर संग संगिनी अभिनेत्री को धरि मु चलि जाउनी जाउनी प्लीज काश हम दे सतरे को टांडे मते ए पोलेले जो गोल बैठक करते छ पकड़ा मते के मु पखळ खाई के जेबी त माने जाउ मा एक्चुअली अश्विन का सहित गोटे डे विथ द स्टार अबा कथा हां मु एम भी करी करी समस्त सहित गोटे माने एवरी एपिसोड इज डे विथ अश्विन इज द स्टार इन डे विथ द स्टार हां बारी बस ओके चलो थैंक यू सो मच समस्ते पूरी तरह अभी वेलकम करबो लास्ट कलर डोर सब बेले खुला अश्विन का पई अनुभा का पई मो पई गण मु तो भीतर वेलकम ऑन बिहाफ ऑफ लास्ट कला आपन को रिक्वेस्ट करबो जते बेले फ्री टाइम पाइबे प्लीज आसी आ हमर लास्ट कला मेंबर्स कर सब हिडन टैलेंट जो रही छी जोडा के अपन तो देखि नंत माने सुना पिलर टैलेंट ना अलगा प्रकार ता सेडा देखिया को केबे मौका मिलले डेफिनेटली आसी चलो वेरी गुड तो बाहर हाय तो बर्तमान आम कौटी आसी पहुँचे कहीं आसी पहुँचे से बेटर अनुभव ओके सो एबे आम आसिकी पहुँचे गोटे फोटो शूट रे जोटा आम करुचु फॉर द लेबल रस्टिक ह्यू एंड ये मतर मा मो साइड जन छिड़ा होती शी इज द ओनर ऑफ रस्टिक ह्यू एंड शी विल टेल मोर अबाउट इट ओके कौन तुम नाम मुना स्वीकृति प्रधान बहुत बढ़िया सुंदर ना दिए तो केबे टू एंड प्लान आउट कला और व्हाई यू चूज माने रोल मॉडल हिसाब से अनुभव अच्छा ओके ये फोटोशूट का प्लानिंग अच्छा ओके वी हैव वर्क टुगेदर बिफोर आल्सो एंड दिस इज द थर्ड टाइम दैट वी आर वर्किंग प्रोफेशनली वी आर गुड फ्रेंड्स एज वेल तो फर्स्ट शूट जितने था देन आई वाज अ स्टूडेंट फाइनल ईयर तो आई लाइक हर अ लॉट इन माय आउटफिट्स सो आई कुड इमेजिन हर वेल से काइंड ऑफ गेटअप है देन सेकेंड शूट वॉज देयर एंड देट वॉज अ बिट डिफरेंट काइंड ऑफ एथर आई हैड ऑलरेडी इमेजिन की ए काइंड ऑफ लुकबुक शूट रे हाउ शी विल बी लुकिंग So she was the perfect face, the perfect figure, perfect everything for the kind of outfits I had. Chalo, very good and all the best to you. Mane aasha karibi ki complete Hollywood film industry ho, ki even konosi company ho, se tamara dress ko design ko nihati bhabe se mane niyantu tankara role model ko ye kare kare. So all the best to you. एंड मु किंतु गोटे जिनसटे मेनशन करी सबुठी तो मुझे गोटे स्पेशल जिनस मेनशन करे तो स्वीकृति जो रस्टिक ह्यू जो अच्छी तार गोटे मैंने बहुत इंटरेस्टिंग कन्सेप्ट अच्छी तो स्वीकृति आई थिंक यू शुड टेल अबाउट दैट कन्सेप्ट टू पीपल्स कहीं आई थिंक ओडिशा रे बहुत आई डोंट नो इज देयर एनीवन एल्स अदर देन यू हु डज दिस हियर इन भुवनेश्वर नो I don't think so. Yeah, so she is the only one जे भुवनेश्वर रे ए भड़िया कॉन्सेप्ट रे माने ये ठु नै फैब्रिक ठु नै कि डिजाइनिंग पर्यंत करंती एंड से जो इंटरेस्टिंग इनसटा कोन सीक्रेट तो आमा लेवल रे आमे फैब्रिक डिजाइन निजे करू तार कंस्ट्रक्शन ठु नै कि ना टिल गारमेंट कंस्ट्रक्शन जाय आ ता परे हमरो वर्कशॉप रे पोस्ट प्रोडक्शन फैब्रिक्स थोड़ा लेफ्ट ओवर्स था ताको भी हमने यूज करी कि ना अपसाइकल करके हम कन्वर्ट करने को फैशन एक्सेसरीज नेक पीसेस से वाला तो सेथि पे हमरो अछि कि अपसाइकल सस्टेनेबल एंड जीरो वेस्ट तो हमरो जहां भी वेस्ट था हम ताको यूटिलाइज कर दो तो हमरो यू वोंट फाइंड एनी काइंड ऑफ वेस्ट एथि तो फैब्रिक रो फुल यूटिलाइजेशन वे इन एनी फॉर्म आज रो फोटो शूट रे भी आई नो कि देयर इज वन क्लोथ गोटे कॉस्ट्यूम अछि जोटा टोटल अपसाइकल्ड ये रे तो आ लेट करबेनी चलन तो देखियो हाउ वाज द फोटो शूट प्लीज चलन तो ओ सुनाए ना जादू कला तोरा सुरमई रे राओ सुनाए ना जादू कला तोरा सुरमई रे ना सीता सखाळर खराटे पोरी मेघई जाराती चांदोटे पोरी नीदकु कलु मोर चूनार चूना सुने ना जादू कला तोरा सुरमई रे
ଛୋଟିଆ ସେଗମେଣ୍ଟ ଯିବା ସବୁ ଷ୍ଟାର୍ସ ମାନେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବଢିଆ ବଢିଆ ବ୍ୟାଗ ଧରି ବୁଲନ୍ତି ତମର କାଇଁ ସେ କ୍ୟୁଟ୍ ବ୍ୟାଗ ଅଛି ମୁଁ ଦେଖିଛି ତ ସେ ବ୍ୟାଗ ଭିତରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ମାନେ ସୁଇଟ୍ ସୁଇଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ସ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସେମାନେ ବ୍ୟାଗରେ କ'ଣ କ'ଣ ରଖନ୍ତି ସେଟା ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ଥିବ ତ ଆଜି ଜାଣିବା ସେ ବ୍ୟାଗଟା ଆଜି ମୋତେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରିବାକୁ ତ ଏଇ ବ୍ୟାଗ ହେଉଛି ଅନୁଭା ସୌରିଆଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ ଏଠି ଯେହେତୁ ଝିଅମାନଙ୍କ ପ୍ରେଜେନ୍ସରେ ଦେଖିବା ଆ ଭିତରେ କଣ ଅଛି ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ଝିଅମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଗ ରେ ଯାହା ବାହାରେ ସେଇଟା ହଉଛି ଏଇଟା ଲିପଷ୍ଟିକ କୁହନ୍ତି ତ ମ୍ୟାଟ ଲିପଷ୍ଟିକ ଏଇଟା ମ୍ୟାଟ ଲିପଷ୍ଟିକ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲିପଷ୍ଟିକ ଗ୍ଲସ କଣ ଏଇଟା ଲିପ ଗ୍ଲସ ଲିପ ଗ୍ଲସ ମାନେ ଏଇଟା କଣ ଯୋଉ ଲଗେଇଲେ ସାଇନିଂ କରିବ ହଁ ଗ୍ଲସ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣ ବି ଚାହିଁଲେ ବାନିଶ ବାନିଶ ମାରିଦେବେ ନହେଲେ ସାଇନିଂ କରିବେ ଟେନସନ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବହିଟେ ବାହାରିଲା ଭଗବତ ଗୀତା ୱା ଇଟ୍ସ ଭେରି ନାଇସ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ପଢ଼ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଗୀତା ପାଖରେ ରଖେ ମୁଁ ଗୀତା ମାନେ ର ଚାପ୍ଟର୍ସ ମୋତେ ମୁଁ ନିଜେ ପଢ଼ିନି ବଟ୍ ମୋତେ ବୁଝାନ୍ତି ଘରେ ବଡ଼ମାନେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି ମାମା ବି ବୁଝେଇଛନ୍ତି ଗାଁକୁ ଗଲେ ବହୁତ ବୁଝାନ୍ତି ମୁଁ ଗୀତା ଏଥିପାଇଁ ପାଖରେ ରଖେ କାହିଁକିନା ବହୁତ ଟାଇମ୍ରେ ନା ଲାଇଫ୍ରେ ବହୁତ ଡିସିସନ୍ସ ନେବାରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ ବେଳେବେଳେ ବହୁତ ମେସ୍ଡ ଅପ୍ ଲାଗେ ତ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଗୀତା ପାଖରେ ଥାଏ ମୁଁ ସେଇ ଯେଉଁ ମାନେ ଗୀତାଟା ଦେଖିଲେ ମୋର ସେଇ ଯେଉଁ ସବୁ ଲେସନ୍ସ ଗୁଡ଼ା ମନେ ପଡ଼େ ତ ଯେତେବେଳେ ମନେ ପଡ଼େ ମୁଁ ପୁଣି ୱାପସ୍ ଷ୍ଟେବଲ୍ ହେଇଯାଏ ଓ ଭକତେ କେତେ କହୁଥିଲା ଟିକେ କହିଦିଅ ଓ ଭକତେ ଓ ରଥ ଯାଏ ଗଡି ଗଡି ରେଡି 1 2 3 ଆକ୍ସନ ତମର କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭକତେ ବାଲା ଓ କରିବାକୁ ପଡିବ ଓକେ ଓ ଭକତେ ଓ ଓ ରଥ ଯାଏ ଗଡି ଗଡି ଓ ଏତେ ନୁହେଁ ଆଚ୍ଛା ତମେ ତମ ଷ୍ଟାଇଲ କର ତାପରେ ଆ ରଥରେ ବସିଛି କାଳିଆ ରାଜା ଓ ଭକତେ ଛାଡ଼ନ୍ତି ରଡି ତଟା ତାପରେ ବାଜୁ ବା ବା ଟାଙ୍ଗ 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 ଚଲୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଏଟା ଏତିକି ଜିନିଷ ମିଳିଗଲା ତାପରେ ଆଉ କଣ ଅଛି ଆଉ ଓ ବହୁତ ସାରା ଲିପଷ୍ଟିକ୍ସ ଅଛି ଟି ଛାଡି ଦ ଏଟା ଲିପ ବାମ ଆଚ୍ଛା ଚଲୋ ଲିପ ବାମ ଆରେ ବାପରେ ଖାଲି ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଖାଲି ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଏଟା ଗୋଟେ ମାଇକ୍ରୋ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ପୁଣି ମୁଁ ଏତେ ଜିନିଷ ଆଉ ଧରିପାରୁନି ତା ଭିତରେ ଆହୁରି ଚକୋଲେଟ୍ସ ମୋ ଫେଭରେଟ୍ ଚକୋଲେଟ୍ ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ସେ ଚକୋଲେଟ୍ଟା ଶେୟାର କରେ ବିକଜ୍ ସେଇଟା ବହୁତ ଇଜିଲି ମିଳେନି ଏଇଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଛି ଆଇଲାଇନର ଆଇଲାଇନର ଏଇଟା ଗୋଟେ କାର୍ଡ ଆଜି ଯୋଡ଼ି ଖାଇବାକୁ ଯିବା ସେଇଟା ଗୋଟେ କାର୍ଡ ଭେରି ଗୁଡ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ଚେନ୍ ଖୋଲିବା ବଡ଼ ଚେନ୍ ମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜିନିଷ ସବୁ କିଛି ନେବନି ତା ଭିତରେ ଫାଲତୁ ଜିନିଷ ସବୁ ବାହାରିବ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ବାହାରିଲାଣି ୱେଟ୍ ୱାଇପ୍ସ ଡିଓଡ୍ରେଣ୍ଟ ଏଇଟା ଛୋଟ ଏଇଟା ଛୋଟ ଡିଓ ଚଲୋ ବ୍ରାଣ୍ଡର ଆଡଭର୍ଟାଇଜ୍ ବି ହେଇଯାଉଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଡାଇରୀଟେ ଅଛି ହଁ ଯେଉଁଠି ମୁଁ ସବୁ ନୋଟ୍ସ ଛୋଟ ଛୋଟ ମୋର ଯାହା ବି ମୋତେ ମନେ ପଡ଼େ ମୁଁ ସେଟା ଲେଖିଦିଏ କାହିଁକି ମୁଁ ବହୁତ ଖରାପ ମେମୋରୀ ମୋର ମୁଁ ସବୁ ଭୁଲିଯାଏ ଓକେ ତ ମୁଁ ଏଇଟା ହ୍ୟାଲୋ କିଟି ର ଜମା ନାହିଁ ବହୁତ କଏନ୍ସ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଖୋଲ ତାକୁ ମୁଁ ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଜିନିଷ ଦେଖେବି ତମକୁ ଦେଖ ଆରେ ବା ଡଲର୍ସ ଡଲର୍ସ କୁସି ସାଇତିକି ରଖୁଛନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ଯେ ଡଲର୍ସ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଛି ଏଟିଏମ୍ କାଗଜ ସେଟା ବହୁତ ଅଛି ତା ଭିତରେ ଆଚ୍ଛା ଶୁଣ ମୁଁ ତମକୁ କେତେ କାଗଜ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ପରିମାଣର କାଗଜ ମାନେ ଡେଲି ପଇସା ଉଠୁଛି ଏଟା କ'ଣ ଗୋଟେ 30,000 40,000 ଜମା ନୁହେଁ ମିଛ ମିଛ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା 104 ଟଙ୍କା 104 ଟଙ୍କା ମୋତେ 104 ଟଙ୍କା ଦେଖାଲ ଓକେ ଚାଲୁ ଯାହା ଏଇଟା ଦାୟିତ୍ୱ ରଖିଥାଉ କାମରେ ଆସିବ ଏଇଟା ସେଲ୍ଫ ଡିଫେନ୍ସ ବି କହିପାରେ
ডেঞ্জারিয়াস জিনিস মানে দরকার পড়লে এটাকে থই দেছি আর কোন কোন সব খালি কাগজ খালি কাগজ এর আড়ে কোন থই আছে এর হ্যান্ড স্যানিটাইজার এটা মিরর ওয়া বহুত সুন্দর মিরর দেছি মিরর যাক মো চুটি লাগি হ্যাঁ সিবি তোমার কেশর স্পর্শ পাউছি এ গোটে কোন থই আছে ব্যাগ্রে যদি সবুঠ অধিক পরিমাণে কোণ অছি সেটা হচ্ছে কিছু মাত্রা তোমার কেশ আর কিছু মাত্রা তোমার কাগজ আর কিছু নাই তো না এটা গোটে আছে লাস্ট হ্যান্ড ক্রিম দ্যাটস ইট হ্যাঁ সরি গেল হ্যাপি হ্যাঁ মো কোয়েলি কি ব্যাগ্রে ডলার রাখবার ওটা রিজন আছে কোন তুমি সিক্রেট রিয়েটা জানছ মানে যে গোটে থিওরি আছে সিক্রেট থিওরি কি মতে ধর লাইফরে গোটে জিনিস দরকার মু যদি ভাববি কি সে জিনিসটা মো পাখে অলরেডি আছে তো সে জিনিসটা মো পাখুকু আপাতত আসবে তো সেই যে মানে পজিটিভিটিটা মনে দরকার সো ইফ আই কিপ $1 ইন মাই পার্স মু সবরে ভাবে কি মো ডলার সে কমাইবি আরে বাহ বহুত নাইস তা তুমি এমতিরে বি বড়িয়া বড়িয়া পয়সা কমাউছো বহুত পরিমাণর পয়সা কমাউছো কোন হবো তোমার বেকার কথা দেখো তুমি কমাউছো মমি কমাউছন তা কোন হবো পয়সা গুলা তো সেবড়া আমি কি রকখ না যেবড়া সব খরচ বি হচ্ছে আমার ছটা ছুয়া আছন্তি এত বড় পরিবার এত রেসপন্সিবিলিটিস তুমি কিছু বুঝো না ঠিক 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 তুমি তো বাহে না পরিবার এনি তুমি কোন বুঝো পরিবার বিষয়ে সি যে তো বাহে কি তাকে পরিবার কর দিছন্তি বাহে নি বাট আই হ্যাভ মাই বিনা বাহে পরিবার কর দিছন্তি দ্যাটস গ্রেট ইয়ার গ্রেট প্রেম প্রেম কলন মু ওয়েট করতলি আসেন অ্যাকচুয়ালি তুমি হে কি কেবে কোশ্চেনটা গো আসিব বিকজ বহুত দেখিছি এপিসোডস এন্ড মতে তুমি অনেস্টলি আউট মানে তা আগরু মু তুমি ওটে কোশ্চেন পচাই তুমি তুমি কোন ভাবুছ কেতে জন অনেস্ট আনসার দেইছন্তি আর তুমি বি জানছ যে কেহি বি অন ক্যামেরা অনেস্ট কইবে না বহুত কম দেইছন্তি আর তম পূর্ব এপিসোড যে পিলেটি থিলা হ্যাঁ বিবেশ বলি ওকে সে ঠিক আনসার দেইছি ওকে বহুত কম লোক দেইছতি আর কিছু কিছু লোক অ্যাভয়েড কর দিছিলে আর কিছু কইছতি লাভ কি বেটু ও মাই গড কি চিন্তা হিং করনি আসলে তুমি কেবি চিন্তা কর পারলে মোর ছোট ছোট আচ্ছা মোর বিষয়ে যদি পচারিব মু তমু কইবি যে সেমতি কিছু হেছলে ইন্ডাস্ট্রি ডেফিনেটলি জানি থান তা ইউ আর এ পার্ট অফ দা ইন্ডাস্ট্রি তেনু ইউ গিভ মি দা আনসার অ্যাকচুয়ালি আজ রে অ্যাঙ্কর মুয়া বাজা